नमस्कार दोस्तों, अभी जो है मैं पिपोदरा में आ गया हूँ। पिपोदरा ये जो हाईवे देख रहे हैं बॉम्बे अहमदाबाद वाला, और इसी के पास में जो है इंडस्ट्रियल जो है अपने पास में, तो वो चीज़ मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। और अभी चलते हैं हम आगे का व्यूज़ मैं दिखाता हूँ। और गाड़ी में बैठे हुए हैं तो बाद में हम जो है आपको पूरा वहाँ का सीन हम दिखाते हैं। और चलिए भाई साहब, तो आगे का सीन में दिखाऊंगा आपको। हाईवे आप देख लिए हैं और यहाँ से कितनी दूरी पड़ेगा वो आपको मालूम पड़ जाएगा। देखिए अभी गाड़ी चल रही है और इंडस्ट्रियल एरिया जो है यहाँ से चालू होती है, और इधर का सीन में जो है आपको दिखाऊंगा। और पूरा टोटल जो है यहाँ पे किस तरीके से मान लीजिए यहाँ पे बना है वो आप देख सकते हैं। देखिए और यहाँ पे इंडस्ट्रियल चालू है सब, और यहीं पे जो है अपने पास में इंडस्ट्रियल है और दो दो गाला है इसमें, 17x100 का 17x100 का। तो आपको यदि ज़रूरत रहेगा तो आप कॉल कर सकते हैं हमें। तो इंडस्ट्रियल एरिया में मैं आ चुका हूं। अभी आप देख सकते हैं कि यहां पे पूरा यहां का व्यूज देख सकते हैं सीन यहां का, और पूरा इंडस्ट्रियल एरिया बन चुका है यहां पे, बहुत तो बन चुके हैं। यहां पे चालू भी है, यहां पे जो है एम्ब्रॉयडरी का भी खाता है और अपना संचा खाता भी है जहाँ पे साड़ी बुनाई का काम होता है। और ये देखिए रोड वोड बन के तैयार है, अभी बहुत सारे फ्लोट भी खाली हैं सब। तो यहाँ पे हमारे पास में दो फ्लोट है। देखिए ये जहाँ पे गाड़ी खड़ी है यहाँ पे मैं दिखाऊंगा। अभी क्या है, सीमेंट उमेंट गिराया है लोग, यहाँ पे काम चालू है, तो इसका अभी काम चालू नहीं है। दो फ्लोट अपने पास में है, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे देखिए ये जो दिख रहा है ना इधर, यहाँ पे आप देखेंगे अभी यहाँ पे कॉर्नर से पहले जहाँ पे उंगली में दिखा रहा हूँ यही जो ज़मीन खाली है, इसमें दो प्लॉट है अपने पास में, 1700 का एक प्लॉट, 1700 का एक प्लॉट, मैंने 17x100 का प्लॉट है, दो प्लॉट अपने पास में है। यदि आपको ज़रूरत है इंडस्ट्रियल बैठाने का, दो प्लॉट है तो चौड़ा प्लॉट हो जाएगा, और यहाँ पे अपना कोई भी कंपनी आप बैठा सकते हैं क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया है। और यहाँ पे जो है अभी आप काम भी चालू हैं सब। देखिए जहाँ पे रेती कपची रखा हुआ है यही जो फ्लोट है, तो 17x100 का फ्लोट है, और यहाँ पे आप लेना चाहेंगे तो आपको मिल जाएगा। राधे इंडस्ट्रियल है और इसी में आपको मिलेगा। और आप तो जानते ही हैं कि अभी इंडस्ट्रियल एरिया जो है हर जगह जो है सूरत में जो है हर जगह नहीं मिलता है, तो ये जो है आपको मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि आपको मालूम पड़े कहाँ पे क्या चीज़ है। और आगे का सीन भी मैं दिखा दे रहा हूँ। देखिए ये सब बन के तैयार है और यहाँ पे काम भी चालू हो गया है सब। सब लोग अपना अपना लोग कंपनी बैठाया हुआ है, तो दो फ्लोट में आप कोई भी कंपनी अब बैठा सकते हैं, चाहे एम्ब्रॉयडरी का बैठा सकते हैं, चाहे संचा बैठा सकते हैं। तो ये मैं आपको नया नया अपडेट इसीलिए देता हूँ, यदि आपको ज़रूरत है तो आप हमें कॉल कीजिए, क्योंकि हर मोबाइल में जो है हर वीडियो में मेरा मोबाइल नंबर रहता है, इसलिए हमेशा जो है मैं आप लोगों को दिखाता रहता हूँ। और ये जो खाली जगह आपको दिख रहा है यही जो है यहाँ यहीं पे है अपना प्लॉट, तो आप लेने के लिए जब भी इच्छुक हों तो आप कॉल कर सकते हैं। और ये जो है हाईवे टच है, आपको आगे देखे भी होंगे कि मैं हाईवे भी दिखा दिया था, और हाईवे से थोड़ा ही दूर पे अपना ये इंडस्ट्रियल एरिया है। और यहाँ पे जो है मैं सोचा कि एक बार आपको पूरा सीन में दिखा दूँ इधर का, तो पूरा तो घूम नहीं सकता हूँ, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया ये है। और यहाँ पे मैं गया था इसलिए कि कोई कोई लोग बोलते हैं कि सर कहीं पे इंडस्ट्रियल एरिया का प्लॉट हो तो बताओ, तो ये ज़मीन है और यदि आप लेना चाहेंगे तो आपको हम दिला सकते हैं, क्योंकि दो प्लॉट हमारे पास में आया हुआ है और आप ले सकते हैं और देख भी सकते हैं कि तीन तीन महीने लोग बना दिया है, बना के लोग यहाँ पे अपना अपना फैक्ट्री बैठाया हुआ है और काम भी चालू किया है लोग। तो हमेशा मैं आप लोगों को नया नया अपडेट इसीलिए देता हूँ, और यहाँ पे आप सीन भी देख सकते हैं कि बना है कि नहीं बना है। और मैं इसीलिए जो है यहाँ पे आया था, आके जो है ग्राउंड जो है बना के आप लोगों को दिखाया, और इसलिए आप लोगों को यदि ज़रूरत हो तो आप ज़रूर कॉल कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि
नया अपडेट जो भी आएगा आपको पहले मालूम पड़ेगा, इसीलिए हमेशा जो नया नया अपडेट मैं देता रहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।